क्या आपने मिस कर दी है आज की कुछ टॉप खबरें? कोई बात नहीं, हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की टॉप न्यूज। नमस्कार, मैं सुजाता द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल देसी फीड में। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। टेली वर्ल्ड का एक पावरफुल कपल गुरमीत चौधरी और डेबीना बॉनर्जी कर रहे हैं अपने पहले चाइल्ड को एक्सपेक्ट। जी हाँ, गुरमीत चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर करी ये बड़ी अनाउंसमेंट। तब से इन दोनों के फैंस कर रहे हैं इस पावर कपल को कॉन्ग्रेचुलेट। डेबीना और गुरमीत आए दिनों अपने सोशल मीडिया पर करते रहते हैं अपने फैंस को एंटरटेन। वेल, आप है कितने एक्साइटेड इसके लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कुशाल टंडन हुए कोविड पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं एक्टर कुशाल टंडन अब नजर आने वाले हैं अपनी न्यू म्यूजिक वीडियो नुमाइश में। ऐसे में उसके प्रमोशंस के दौरान ही कुशाल टंडन फिर से हो गए हैं कोविड पॉजिटिव। पहली बार कुशाल टंडन पॉजिटिव हुए थे 2020 में, जिसमें उन्होंने खुद को किया था आइसोलेट। अब वापस खबर आ रही है कि पॉजिटिव होने के बाद कुशाल टंडन ने खुद को कर लिया है आइसोलेट। टेलीविजन पर आने वाला एक काफी ज्यादा फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता इन दिनों काफी कंट्रोवर्सी में चल रही है। आपको बता दें कि एक जातिवाचक टिप्पणी को लेकर उन पर चल रही है एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी। आज ही एक ऐसी खबर आई थी कि मुनमुन दत्ता को कर लिया है हरियाणा की पुलिस ने अरेस्ट, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान मुनमुन दत्ता ने की ये बात की सफाई। उन्होंने कहा कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था, उन्हें बुलाया गया था एक रेगुलर इंटरोगेशन के लिए। जी हाँ, खबरें थी कि मुनमुन दत्ता को एक जाति सूचक टिप्पणी के लिए कर लिया गया है अरेस्ट, लेकिन मुनमुन दत्ता ने दे दी है इस बात पर क्लैरिफिकेशन। अब बात करते हैं बिग बॉस की। जी हाँ, बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में कहा पीपल क्वेश्चनिंग माय विन आर सिली एंड बेचारास। जी हाँ, बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के बाद से ही काफी लोग कर रहे हैं इनके इस जीत पर डाउट। लोगों का कहना है कि बिग बॉस 15 के फर्स्ट रनर अप प्रतीक सहजपाल ही थे असली विनर, लेकिन बिग बॉस 15 की विजेता तेजस्वी प्रकाश क्योंकि वो कर रही है नागिन का शो, इसलिए उन्होंने जीता बिग बॉस 15 की ट्रॉफी। लेकिन अब एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी ने कहा कि जो लोग मेरी जीत पर कर रहे हैं डाउट, वो है बेचारा और सिली। हम सभी के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिग बॉस के दौरान तेजस्वी को मिल रहा था फैंस का काफी सपोर्ट। हाल ही में एक ऐसा सीरियल जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है एकता कपूर का सुपर नेचुरल फिक्शनल शो नागिन 6। इसमें स्टार कास्ट हुई है तेजस्वी प्रकाश और उनके साथ नजर आने वाले हैं सिम्बा नागपाल। हाल ही में, जैसा कि आप जानते हैं, तेजस्वी प्रकाश के बिग बॉस 15 की जीत को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। फैंस का मानना है कि प्रतीक सहजपाल थे इस शो के रियल विनर, लेकिन अब नागिन 6 की प्रोड्यूसर एकता कपूर आ गई तेजस्वी के सपोर्ट में। जी हां, उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पूरे शो के दौरान और शो जीतने के बाद भी करना पड़ रहा है खुद को डिफेंड। एकता कपूर मानती है और कहती है कि मेरे पास इतना भी पावर नहीं कि मैं एक चैनल को इन्फ्लुएंस कर सकूं कि वो तेजस्वी को विजेता बना दे। इस पर क्या है आपकी राय, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल देसी फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।